कि C3 साइकिल में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। हमने देखा था वहाँ पे 5 कार्बन का केमिकल कंपाउंड था, RUDP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी थी और ये पूरा प्रोसेस कैटेलाइज किया था रूबिस्को एंजाइम ने, रूबिस्को एंजाइम ने। और इस एंजाइम ने जब 5 कार्बन का जो कंपाउंड था उसके साथ जब 1 कार्बन जुड़ा तो 6 कार्बन का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो तुरंत टूटकर 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, स्टेबल कंपाउंड, जिसे हमने नाम दिया था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन हुआ था, एक्चुअली यहाँ पर NADH2 यूज हुआ था, NADH2 उसने अपने हाइड्रोजन यहाँ पर दे दिए और ये देने के बाद ट्रायोज फॉस्फेट बने थे, ट्रायोज फॉस्फेट। तो यहाँ पर हमको ये मालूम चला कि NADH2 यूज हो गया है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन हो गया है, हाइड्रोजन आ गया है। ATP भी लगातार खर्च होगा, वो हम बार बार बात नहीं करेंगे। तो ये ट्रायोज फॉस्फेट जो बना, इसमें से कुछ ट्रायोज फॉस्फेट तो वापस RUBP बनाना शुरू कर देते हैं, RUBP रीजेनरेशन हो जाएगा। और जब ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगभग जब फिक्स हो जाती हैं तब जाकर यहाँ से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन जाता है, तो ये हमारा प्रोडक्शन होता है। जब 6 राउंड ये साइकिल रिपीट हो जाएगा तो फिर हमको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा, और 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में 2 NADH2 खर्च होते हैं और 3 ATP खर्च होता है 1 राउंड पूरा करने में। मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारा 12 NADH2 और हमारा 18 ATP लगभग खर्च होता है, तब जाकर हमको एक ग्लूकोज मिलता है, एक ग्लूकोज हमको मिलता है और यहाँ पर 6 CO2 यूज हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा C3 साइकिल, जिसको हमने केल्विन साइकिल नाम दिया था। पूरा स्टेप 3 स्टेप में हुआ था पूरा प्रोसेस। पहला हुआ था कार्बोक्सीलेशन, दूसरा हमारा हुआ था रिडक्शन, और तीसरा हमारा जो स्टेप हुआ वो था रीजेनरेशन ऑफ RUBP, रीजेनरेशन ऑफ RUBP। तो इस तरह से ये हमारा जो C3 साइकिल था, हर एक ग्रीन प्लांट में ये प्रोसेस देखने को मिलती है और बिना रूबिस्को एंजाइम के ये पूरा काम हो नहीं सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है जो रूबिस्को, ये जो आपका राइबुलेज बाईफॉस्फेट है, राइबुलोज बाईफॉस्फेट जो 5 कार्बन की एक शुगर है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने की पावर रखता है ये एंजाइम। ये कार्बोक्सीलेज का काम करता है, लेकिन ये एंजाइम ऑक्सीजिनेज का भी काम कर सकता है, ये इसके साथ ऑक्सीजन भी जोड़ सकता है। फिलहाल यहाँ पर जब C3 साइकिल हुआ, जब फोटोसिंथेसिस हुआ, तो इस 5 कार्बन की शुगर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा गया है। तो ये ओवरऑल पूरा प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ, C3 साइकिल हुआ, ठीक है। बाद में हैच एंड स्लेक नाम के 2 व्यक्तियों ने एक और अलग रास्ते की खोज की। केवल कुछ प्लांट थे जिनमें पहला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का ना होकर 4 कार्बन का कंपाउंड बनता हुआ दिखाई दिया। हैच एंड स्लेक नाम के व्यक्तियों ने इसको सबसे पहले देखा था, इसलिए इस साइकिल को, ये जो केमिकल प्रोसेस है, इसको हैच एंड स्लेक साइकिल भी हम कहते हैं, इसको हम C4 साइकिल भी कहते हैं।
सभी पौधों में नहीं मिलता, केवल उन पौधों में मिलता है जिनके अंदर क्रंज एनाटॉमी देखने को मिलता है। ध्यान देना, C4 साइकिल केवल उन पौधों में मिलेगा जहां क्रंज एनाटॉमी देखने को मिलता है। अब ये क्या एनाटॉमी है ये हमको थोड़ा सा समझना है और C4 साइकिल पूरा जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैच एंड स्लेग साइकिल, C4 साइकिल। एक पौधा था सुगर केन, सुगर केन गन्ने का पौधा था। हालांकि मेज, आपका सोरगम, उन पौधों में भी ये सेम देखने को मिलता है। हैच एंड स्लेग ने जब गन्ने के पौधे की पत्ती को काट के देखा, आपने चूंकि अभी एनाटॉमी शायद नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर अपर एपिडर्मिस होती है लिप्स में और नीचे लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक पत्ती है, इस पत्ती को आप ऐसे काट के देखिए, तो यहाँ से एक पतली सी स्लाइड जब आप लेंगे तो ये ऊपर का छिलका दिखेगा, ये नीचे का छिलका दिखेगा और बीच में जो पत्ती जितनी मोटी है, मान लीजिए आपका ये एक बुक है, मान लीजिए ऐसे है, तो ये मान लीजिए आपकी बुक है, तो ये ऊपर का छिलका हो जाएगा, ये नीचे का छिलका हो जाएगा और ये जो बीच के आपके पेज हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये आपका कहलाता है मीजोफिल टिश्यू। ये क्या कहलाता है? मीजोफिल टिश्यू। तो ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस और ये कहलाता है मीजोफिल टिश्यू। एक लीफ को जब हमने काट के देखा, जब हमने एनाटॉमी देखी लीफ की, तो नॉर्मली क्या होता है कि बीचों बीच में तो वैस्कुलर बंडल आपके दिखाई देते हैं, इस तरह से ये वैस्कुलर बंडल्स हैं और वैस्कुलर बंडल्स के इधर सराउंडिंग में जो नॉर्मल ये सेल हैं, ये आपके पैरेन्काइमा सेल होती हैं जिनको हम मीजोफिल टिश्यू कहते हैं, ये ही फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो यहाँ पर अभी जो मैंने एक एनाटॉमी बनाई है, आप देख रहे हैं कि सभी की सभी सेल जो लीफ की दोनों एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो पाई जा रही हैं वो सभी सेम टाइप की हैं, लगभग एक जैसी हैं। हाँ, इनको सिंपल पेरेन्काइमा सेल है, हर सेल फोटोसिंथेसिस करती है, स्टोमेटा से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो भी है एयर पहुँचती है, हर सेल को यहाँ एयर पहुँच जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके C3 साइकिल करती हैं। सभी के सभी सेल कौन सा साइकिल करती हैं? C3 साइकिल करती हैं। C4 लिख दिया। C3 साइकिल क्यों करती है? क्योंकि हर सेल के अंदर रूबिस्को एंजाइम मौजूद होता है, इसीलिए वो ऐसा कर पाती है। ये एक नॉर्मल लीफ है, ये यहाँ पर कोई भी क्रंज एनाटॉमी जैसा नहीं दिखाई दिया, ये एक सिंपल लीफ है, ठीक है। और यहाँ पर हर मीजोफिल सेल, ईच एंड एवरी मीजोफिल सेल इज परफॉर्मिंग C3 साइकिल बिकॉज दीज सेल्स हैव रूबिस्को एंजाइम, दे हैव द पावर टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए मौजूद है RuBP, राइबुलोज बाई फॉस्फेट। ये CO2 को लेगा और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हुए ग्लूकोज बना रहा है। ये नॉर्मल काम चल रहा है, ये प्रोसेस तो हर सेल में मिलेगी, जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है वहां पर ये होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्रंज एनाटॉमी क्या होता है। एक्चुअली ये जो सेल हैं, जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच की सेल है, अगर सब एक जैसी है तो नॉर्मल एनाटॉमी है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी दो तरह की सेल दिखाई देती हैं, एक साइज में बड़ी होती हैं, एक साइज में बहुत छोटी होती हैं। और जब एक ही पत्ती के अंदर दो तरह की मीजोफिल सेल जब दिखाई देती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रंज एनाटॉमी। चलिए उसका फोटो बना के देखते हैं क्या होता है क्रंज एनाटॉमी। देखो यहाँ पर सिंपल मैं बात करता हूँ, ये आपका हो गया अपर एपिडर्मिस, ठीक है, ये आपका अपर एपिडर्मिस, ये आपका लोअर एपिडर्मिस और ये हो गए हमारे वैस्कुलर बंडल्स। मान लीजिए मैंने ये जाइलम फ्लोएम कुछ ऐसे बना दिए, ये जाइलम फ्लोएम के जो वेन्स होती है ना लीफ में, जब वो
हम एनाटॉमी करेंगे तो वो भी तो इस तरह से देखेंगे, कटी कटी सी। ठीक है, ये हो गया आपका वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, जाइलम फ्लोएम। तो मैं इनको थोड़ा येलो कलर से भर देता हूँ ताकि ये बाकी से थोड़ा डिफरेंट दिखें। ये आपके जाइलम फ्लोएम है, वेन्स हैं जो आपको पत्ती की जब काट रहे हैं तो दिख रही है। अब यहां पर हम देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ बड़ी बड़ी साइज की सेल दिखाई देती हैं। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ बड़ी बड़ी सेल आपको दिखाई देती हैं, और इन सेल को हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। एक्चुअली ये सेल बंडल को चारों तरफ से कवर कर रही हैं, वेस्कुलर बंडल को एकदम से पैक कर रही हैं, इसलिए इन सेल को हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। ध्यान देना, ये कहाँ पे मौजूद है, वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ ये सेल मौजूद हैं। ये मैंने कुछ बड़ी बड़ी साइज की सेल बनाई है, ये आपके हो गई बंडल शीथ सेल। और इन बंडल शीथ सेल के बाहर जो और बाकी की मीजोफिल सेल हैं, और जो बाकी की मीजोफिल सेल है वो यहां पर एकदम इस तरह से छोटी 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 सेल है चारों तरफ से, इन बंडल शीट सेल के चारों तरफ पाई जाती हैं, और ये पूरा पत्ती में फैली हुई है, चारों तरफ ये सेल फैली हुई है। ये नॉर्मल मीजोफिल सेल है। ये मीजोफिल सेल कैसी है, नॉर्मल, जैसी एक नॉर्मल पत्ती में होती है ये बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन आपने देखा वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ कुछ बड़ी साइज की स्पेशल मीजोफिल सेल है जिनको हम बंडल शीथ कह रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसको भरता हूं, तो आप देखिए ये वाली जो सेल है ये तो कहलाएंगी सिंपल मीजोफिल सेल, ठीक है, मीजोफिल सेल। और ये जो सेल मैंने स्पेशल बनाई है जो बंडल वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ है, साइज में बड़ी है, ये कैसी है, साइज में स्मॉल सेल है, ये थोड़ा बड़ी सेल है, बिग साइज है, और इनको बोलते हैं बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। तो अगर पत्ती की एनाटॉमी में दो टाइप की सेल दिखाई देती हैं, जहां एक होती है मीजोफिल सेल और दूसरी होती है बंडल शीथ सेल, तो ऐसी एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रांज एनाटॉमी। इसको क्या बोलते हैं, क्रांज एनाटॉमी। और जिन पौधों की पत्तियों में मीजोफिल सेल दो तरह की पाई जाती हैं, एक नॉर्मल मीजोफिल और एक बंडल शीथ के रूप में, ये बंडल शीथ सेल भी वाकई में मीजोफिल सेल ही हैं, लेकिन ये चूंकि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ हैं और साइज में नॉर्मल सेल से बड़ी हैं, इसलिए उनको अलग नाम दिया है। तो ये मीजोफिल सेल ही, कोई अलग से नहीं आई है, ये भी नॉर्मल वही काम करने वाली है जो मीजोफिल सेल करती है, लेकिन यहाँ क्रांज एनाटॉमी दिखाई दे रहा है, सेल दो टाइप की दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा अंतर है। जब हमने एक नॉर्मल लीफ को देखा तो नॉर्मल लीफ की हर सेल में रूबिस्को एंजाइम था, आपको याद आ रहा है, अभी मैंने समझाया था, हर सेल के पास रूबिस्को एंजाइम था। लेकिन जहां क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है वहां केवल और केवल बंडल शीथ सेल के पास ही रूबिस्को एंजाइम है। नॉर्मल ये जितनी भी सेल है मीजोफिल सेल, इनके पास रूबिस्को एंजाइम नहीं होता, बस यही आपको ध्यान रखना है। रूबिस्को एंजाइम वो एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP के साथ जोड़ सकता है। केवल बंडल शीथ सेल में ही रूबिस्को पाया जाता है, नॉर्मल मीजोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता। और इन नॉर्मल सेल में एक दूसरा एंजाइम पाया जाता है, रूबिस्को नहीं होता। ये जो नॉर्मल सराउंडिंग की जो मीजोफिल सेल है इनके अंदर एक दूसरा एंजाइम पाया जाता है जिसे हम PEPage एंजाइम कहते हैं, PEPage एंजाइम। ये कहाँ मिलता है, मीजोफिल सेल में, PEPage। और रूबिस्को कहाँ मिलता है,
बंडल शीत सेल में, बस इतना आप समझ लीजिए। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि जब स्टोमेटा से हवा अंदर जाती है तो ये नॉर्मल ये जो आपके मीजोफिल सेल हैं इनके बीच में तो वो एयर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ इतना रिच डेंस होता है ये मीजोफिल सेल का, यहाँ पर इतना रिच डेंस होता है और बंडल शीत सेल की सेल वॉल इतनी थिक होती है, बंडल शीत सेल की सेल वॉल काफी थिक होती है, एयर इन सेल के अंदर नहीं जा सकती, डिफ्यूज नहीं हो सकती। एयर जो अभी मीजोफिल सेल के पास एयर है वो एयर यहां नहीं पहुंचती बंडल शीत सेल के पास। मैं ये कह सकता हूं कि बंडल शीत सेल एयर प्रोटेक्टेड होती है, इनको एयर नहीं मिलती। आप बोलेंगे सर अगर इन लिविंग सेल को एयर नहीं मिलेगी तो इनको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? भाई इनको ऑक्सीजन भी तो चाहिए सांस लेने के लिए। ठीक है सर, आपने ये वाली हवा अंदर जाने से तो रोक दी, ये केवल मीजोफिल सेल तक पहुंच पाएगी, ये एयर केवल मीजोफिल सेल तक पहुंच पाएगी, बंडल शीत सेल तक ये एयर डायरेक्ट नहीं पहुंचती। कारण क्या है? एक तो ये मीजोफिल सेल का चारों तरफ से पैक कवरिंग होता है, बंडल शीत सेल तक हवा नहीं पहुंचने देते, और दूसरा बंडल शीत सेल की सेल वॉल काफी थिक होती है जो एयर इनपरमेबल होती है, हवा अंदर नहीं आ सकती। बस यही खासियत है इसकी, एयर टाइट होती है ये सेल, एयर नहीं पहुंचती इनके पास। इनको ऑक्सीजन मिलेगी या तो खुद अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये सेल ऑक्सीजन बनाएंगी उससे काम चल जाएगा, या फिर ये नॉर्मल सेल डिफ्यूज करके दे सकती हैं वो भी एच पर रिक्वायरमेंट, अदरवाइज ये अपना ऑक्सीजन खुद बनाएंगी, ये बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेती। बाहर से तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई एयर पहुंच ही नहीं रहा है, ना तो ऑक्सीजन मिलेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ना कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये एयर टाइट कंडीशन में मौजूद है जो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ है। ये खासियत आपको याद होना चाहिए क्रांज एनाटॉमी में, ठीक है। और रूबिस्को कहां होता है? इन्हीं बंडल शीत सेल में। एक नॉर्मल में तो हर सेल के पास रूबिस्को था, लेकिन यहां पर केवल इनके पास रूबिस्को है, बाकी के पास एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम भी अभी हमको सही ढंग से नहीं मालूम कि वो क्या करेगा, ठीक है। वेरी गुड, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा और एक डिफरेंट तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए ये एक मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल, और इसके सराउंडिंग में ये बड़ी वाली है बंडल शीत सेल, ये बंडल शीत सेल, बंडल शीत सेल की सेल वॉल काफी थिक होती है। मैं ऐसे बहुत सारी मीजोफिल सेल बना सकता हूं, फिलहाल मैंने ये मीजोफिल बनाई, ये मीजोफिल बनाई, ये बंडल शीत बनाई, तो मैं थोड़ा नाम लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ये बंडल शीत सेल है, बंडल शीत सेल, और ये सेल आपके हैं मीजोफिल सेल। दो तरह की सेल है, इधर यहां कहीं वैस्कुलर बंडल होगा जिसको यहां बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी, हाँ जाइलम फ्लोएम इधर यहां होंगे, मैंने दो सेल बस बनाया है। अब देखिए जो एयर आ रहा है वो एयर तो आएगा केवल मीजोफिल सेल तक, यहां तक तो एयर पहुंच ही नहीं पाता है। इसका मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की आनी है तो वो मीजोफिल सेल के पास ही आनी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट कभी भी बंडल शीत तक नहीं पहुंच पाएगी। और एयर आ रहा है, एयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट CO2 विल डिफ्यूज फ्रॉम एयर टू मीजोफिल सेल। अगर जरूरत है ऑक्सीजन की तो वो भी आएगी, लेकिन जनरली दिन में जब फोटोसिंथेसिस चलता है तो इस लीफ के अंदर ही ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी बजाय यहां के, इसलिए ऑक्सीजन का कोई हम खास रोल नहीं मान रहे, CO2 will be absorbed by the mesophyll cell. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मीजोफिल सेल के पास रूबिस्को नहीं है, रूबिस्को नहीं है, रूबिस्को नहीं है तो CO2 को कौन लेगा भाई?
इस सीओ टू को हमने अभी देखा आर यू बी पी के साथ सीओ टू को जोड़ रहे थे, लेकिन वहां रूबिस्को काम कर रहा था, ये एंजाइम था, तभी तो ये जुड़ रहा था। अब यहां पर तो प्रॉब्लम हो गया, यहां पर आर यू बी पी भी नहीं है, बहुत लो कंसंट्रेशन है अगर है तो नो आर यू बी पी। जब रूबिस्को ही नहीं है तो आर यू बी पी का क्या रोल है इधर, होने को तो होगा थोड़ा सा लेकिन कोई खास रोल नहीं है। यहां इस CO2 तो आ गई लेकिन अब इसे किस केमिकल के साथ जोड़ें, ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर एक तीन कार्बन का कंपाउंड है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और एक चार कार्बन का कंपाउंड बनाता है। तो ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड चार कार्बन का बनता है, इसीलिए इस पूरे साइकिल को हम C4 साइकिल बोलते हैं। द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑफ फोर कार्बन। तो यहां सवाल आता है कि ये तीन कार्बन वाला कौन है और ये चार कार्बन वाला कौन बना, क्या है, यही पूछा जाता है। नॉर्मल C3 साइकिल में CO2 लिया था पांच कार्बन वाले ने, जिसका नाम था RUBP, वो पांच कार्बन का था, उसने CO2 लिया था और तीन कार्बन वाले दो कंपाउंड बनाए थे जिनका नाम था PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन हैच एंड सेलेक्ट साइकिल में, C4 साइकिल में, नीजोफिल सेल विल फिक्स द CO2। यहां पर एक तीन कार्बन का जो कंपाउंड है इसका नाम है पीईपी, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। इसका नाम याद रहेगा आपको, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, तीन कार्बन का कंपाउंड। इसके साथ CO2 आएगा, जुड़ेगा इसके साथ, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और यहां पर PEPAs एंजाइम, कौन सा एंजाइम, PEP, देखिए PEP इज द सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट के आगे एज लगा दीजिए, PEPAs एंजाइम इसको एक चार कार्बन के कंपाउंड में चेंज करेगा जिसका नाम होगा OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये नाम आपको याद होना चाहिए, यहां पर बनेगा आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, सेकंड स्टेबल कंपाउंड क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। दोनों साइकिल में डिफरेंस समझ में आया, C3 साइकिल वहां पर रूबिस्को एंजाइम काम कर रहा था RUBP के साथ CO2 जोड़कर तीन कार्बन का स्टेबल कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था। C4 साइकिल में मीजोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब आती है तो तीन कार्बन का पीईपी, तीन कार्बन का पीईपी CO2 को लेकर चार कार्बन का एसिड बनाता है जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये बन जाता है मीजोफिल सेल में, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा फोटो खराब हो गया, इसको दोबारा से बना लेता हूं। ये आपका मीजोफिल सेल और ये आपका बंडल शीथ सेल, हाँ मैं थोड़ा सा ऐसे बना दिया हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं पीईपी, कितने कार्बन, तीन कार्बन, ये चेंज हो रहा है ओएए, कितने कार्बन, चार कार्बन, बाहर से क्या आया, CO2 आया, कौन सा एंजाइम काम करेगा, PEPAs एंजाइम यहां काम कर रहा है। तो ये एक चार कार्बन का एसिड बन गया और इस चार कार्बन के एसिड को कन्वर्ट कर लिया जाता है मैलिक एसिड में।
ये काम कहां हो रहा है? मीजोफिल सेल में, ठीक है, मीजोफिल सेल में पूरा काम हो रहा है। क्या यहां कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो चुकी है? मैं कह सकता हूं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो चुकी है, बिल्कुल हो गई। कौन सी सेल में हुई? मीजोफिल सेल में। अब ये जो आपका बंडल शीथ सेल है, ये बंडल शीथ सेल ये तो एयर इम्परमेबल है, इसके अंदर तो कोई हवा आती ही नहीं है, कोई एयर नहीं आती, लेकिन इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बने हुए हैं नेवरिंग सेल के बीच में, इनके साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े हैं। तो ये जो मैलिक एसिड बना, ये मैलिक एसिड डिफ्यूज होके आ जाता है बंडल शीथ सेल में। ये क्या है? बंडल शीथ सेल, यहां पर मैलिक एसिड आ गया। मैलिक एसिड में कितने कार्बन? चार कार्बन, चार कार्बन का कंपाउंड मैलिक एसिड आ गया, ठीक है। अब मैलिक एसिड जब आ गया, मैं यहां पर भी मैलिक एसिड लिख देता हूं, बंडल शीथ सेल में आने के बाद ये अपना एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, CO2 रिलीज कर देता है। इसने क्या किया? अपना एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, और रिलीज करने के बाद खुद तीन कार्बन के एक केमिकल में चेंज हो गया। मैं इसको ऐसे करता हूं, ये तीन कार्बन का यहां पर एक बनाता हूं, ये हो गया आपका CO2 रिलीज, CO2, और ये तीन कार्बन का एक कंपाउंड बना जिसका नाम होगा पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड, तीन कार्बन का एसिड। और ये जो एक CO2 रिलीज कर दिया है, ये CO2 यहां पर कुछ काम करेगा, चार कार्बन का था, एक CO2 रिलीज कर दिया, यहां से CO2 को पकड़ के लाया, एसिड के रूप में वो CO2 को लाया, CO2 यहां छोड़ दिया और फिर से वापस तीन कार्बन का एसिड बन गया। ये तीन कार्बन का एसिड जो पाइरूविक एसिड है, एक्चुअली ये पाइरूवेट में चेंज होता है, पाइरूवेट में, और ये पाइरूवेट डिफ्यूज होके फिर से वापस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बना लेता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये पाइरुवेट डिफ्यूज होगा मीजोफिल सेल में, और मीजोफिल सेल में जाकर ये बनाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। मतलब ये जो चीज खर्च हुई थी, ये चीज वापस बन गई है। क्या फायदा हुआ सर इससे? कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली यहां पर बहुत सारा फायदा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे फायदा हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, यहां पर जो CO2 रिलीज हुआ, यहां पर रूबिस्को एंजाइम मौजूद है, ये मैंने आपको पहले समझाया था। और रूबिस्को एंजाइम क्या करता है? RuBP के साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा जो अभी यहां रिलीज हुआ है, और यहां पर चलेगा आपका C3 साइकिल, और आपको मिलने वाला है ग्लूकोज नाम का प्रोडक्ट। यहां पर आपका C3 साइकिल चल रहा है। यहां पर आप देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इस बंडल शीथ में जो रिलीज हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ने बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल कंप्लीट किया, और यहां पर ग्लूकोज बन रहा है। इसका मतलब इस बंडल शीथ सेल में ग्लूकोज बनाया जाता है, और यहां पर चलता है C3 साइकिल, यहां पर चलता है C3 साइकिल। यहां पर वही काम हो रहा है जो एक नॉर्मल होता है, लेकिन यहां एक खासियत है, यहां पर इस रूबिस्को ने RuBP के साथ 100% कार्बन डाइऑक्साइड को ही जोड़ा है, और 100% यहां ग्लूकोज ही बनेगा। एक नॉर्मल कंडीशन में जब RuBP होता है, जब एक नॉर्मल मीजोफिल सेल थी आपके, तो वहां पर हर सेल के पास जितना कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रहा था, उतना ऑक्सीजन भी पहुंच रहा था, और वहां पर
RUBP के साथ कुछ परसेंटेज में ऑक्सीजन भी जुड़ रहा था, और ऑक्सीजन अगर इससे जुड़ रहा था तो नो ग्लूकोज, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। तो हम ये कहेंगे कि अगर नॉर्मल C3 साइकिल केवल अगर होता है तो वहां पर प्रोडक्ट बनने की रेट काफी कम होती है, और यहां पर प्रोडक्ट बनने की एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है। हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, ये कैसा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इस जहां C4 साइकिल चलता वहां तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि रूबिस्को एंजाइम के पास यहां कभी भी ऑक्सीजन आता ही नहीं है, यहां तो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो भी एसिड के रूप में आता है जब आके यहां रिलीज होता है। तो यहां पर बहुत ही प्योर 100% फॉर्म में विद मोस्ट एफिशिएंसी के साथ फोटोसिंथेसिस किया जाता है, और ये प्लांट ज्यादा मोर टॉलरेट प्लांट भी होते हैं, क्योंकि जहां पर रूबिस्को आपका काम कर रहा है वो पत्ती के बहुत अंदर की सेल में मौजूद है, जिसके ऊपर हाई सनलाइट इंटेंसिटी भी ज्यादा इस एंजाइम को प्रभावित नहीं करती। अगर वो नॉर्मल मीजोफिल सेल में होता तो सनलाइट से एंजाइम डीजेनरेट हो जाता था कुछ मात्रा में, लेकिन ये तो बंडल शीट सेल के अंदर एकदम सुरक्षित, काफी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रूबिस्को होता है, तो ये एफिशिएंसी से काम करता है, और ये केवल और केवल CO2 को जोड़ता है, क्योंकि बंडल शीट सेल में ऑक्सीजन होती नहीं है, यहां पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन सब यहां हो रही हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यहां पे आ रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन यही हो रहा है, केवल C3 साइकिल यहां पे करवाया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। तो C4 साइकिल पर सिंपल सी बात है, ऐसे प्लांट जिनमें क्रंच एनाटॉमी होती है वो C4 साइकिल करते हैं, और C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन मीजोफिल सेल में होता है, जिसमें एक एसिड के रूप में CO2 को ट्रैप कर लिया जाता है, उस CO2 को एसिड बंडल शीट सेल में रिलीज करता है, और वहां बंडल शीट सेल में एफिशिएंसी के साथ C3 साइकिल कंप्लीट करवाया जाता है, और ये PEP वापिस बनता रहता है। तो ये जो पूरा एक साइकिल है, इसी को हम बोलते हैं हैच एंड सेलेक्ट साइकिल, इसी को हम बोलते हैं C4 साइकिल। बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत हाई एनर्जी पर भी, हाई टेम्परेचर पर भी ये पौधे आराम से सरवाइव करते हैं, आराम से फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, क्योंकि इनका रूबिस्को काफी प्रोटेक्टेड प्लेस में पाया जाता है, इसको कोई नुकसान नहीं होता है, और ये एफिशिएंसी से ज्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो रूबिस्को एंजाइम RUBP के साथ अगर CO2 जोड़ता है तो हमको ग्लूकोज मिलता है, तो हमको ग्लूकोज मिलता है, लेकिन अगर RUBP के साथ इसने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो इससे हमको प्रोडक्ट बनने की बजाय कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट बना जाता है, और हमको ग्लूकोज भी नहीं मिलता। ये प्रोसेस कम से कम C4 प्लांट में तो देखने को नहीं मिलती, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा एफिशिएंसी से फोटोसिंथेसिस होता है। हम बात करेंगे इस प्रोसेस की, इसको हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, हम इसको बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन, जो कल के टॉपिक में रहेगा। तो कल मैं बात करूंगा इसी प्रोसेस की, जिसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, जो पौधों में नहीं पाई जानी चाहिए, लेकिन C3 प्लांट में ये प्रोसेस भी पाई जाती है, और C4 प्लांट में ये नहीं पाई जाती, इसीलिए C4 प्लांट ज्यादा एफिशिएंसी से फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन। मुझे लग रहा है कि C4 साइकिल, हैच एंड सेलेक्ट साइकिल आपको आराम से समझ में आया होगा, क्रांच एनाटॉमी क्या होता है आपको समझ में आया, रूबिस्को एंजाइम कहाँ मिलता है, केवल बंडल शीट सेल में मिलता है, क्या C4 प्लांट में भी C3 साइकिल चलता है, बिल्कुल चलता है, C3 साइकिल से ही ग्लूकोज बनता है, यहाँ पर C3 साइकिल एफिशिएंसी से क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ C3 साइकिल जहां जिस सेल में चल रहा है वहां ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए रूबिस्को यहाँ केवल कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है और हमारे लिए प्रोडक्ट तैयार करता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जो आपको काफी समझ में आ गई होंगी। कल की क्लास में हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन,
और कुछ छोटा मोटा जो टॉपिक रह गया वो हम बात करेंगे, कल हमारा फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं ऑफ।